नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है डिक्शनरी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, प्रीवियस ईयर का रेलवे का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सीरीज़ में चला रहा हूँ, जीके बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, आज से मैं जो है 10-10 क्वेश्चंस करके मैथ्स करा दूंगा, फिर 10-10 करके मैं रीजनिंग भी करा दूंगा, सो दैट जो भी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जाम से पहले मैं ट्राई करूँगा आपको पूरा कवरअप कर दूँ। ठीक है, तो जीके का जीएस का तो मैं 25 क्वेश्चन करके डिस्कस कर रहा हूँ, मैथ्स क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो इसलिए मैं 10 एंड रीजनिंग भी 10 करके आपको करा दूंगा, जो मेन मेन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो आइडिया होने के लिए आपको क्या है, बेसिकली उसी पैटर्न में भी इस बार क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जो है एनटीपीसी के भी क्वेश्चंस है, ग्रुप डी का भी क्वेश्चंस है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं इसी पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट। तो देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है जिसमें बताया जा रहा है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 63 स्टूडेंट्स एप्पल पसंद करते हैं और 76 जो है ऑरेंज पसंद करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइक बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंज, तो कितने हैं जो एप्पल एंड ऑरेंज दोनों लाइक करते हैं। तो सबसे पहले देखो, दोनों लाइक करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्पल्स एंड ऑरेंज को ऐड कर दीजिए पहले। ठीक है, एप्पल्स और ऑरेंज को ऐड कर दिए, 139 आया, स्टूडेंट तो 100 ही है तो 100 माइनस कर दीजिए, मतलब 39 जो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों कॉमन है, दोनों में मतलब एप्पल में भी कॉमन है और ऑरेंज में भी कॉमन है। ठीक है, तो 39 आपका बोथ हो गया। अब पूछा है सिर्फ आपका जो है एप्पल कितना लाइक करता है, तो देखो एप्पल जो सिर्फ है वो 63 है, अब ये 39 तो कॉमन है तो ये कॉमन को माइनस कर दो तो 24 हो जाएगा जो सिर्फ एप्पल को पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको पूछा जा रहा है आप एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, हाइट रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 2 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम देने के लिए, तो हम लोग का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, तो आप ज़रूर मेरे मेंसुरेशन 2 वीडियो दिए हुआ है जिसमें फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट है, ज़रूर उस वीडियो को देख लेना गाइज, आपको टोटल आइडिया हो जाएगा। तो देखो फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो हम लोग पुट कर दिए 308, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आपको बताया विशाल ने एक ट्राई परचेस किया 50 में, सेल कर रहा है 75 में, उसका गेन परसेंट क्या है, तो पहले सबसे गेन निकाल लो, 75 माइनस 50, 25 रुपया गेन होता है। हम लोग को पता क्या है, गेन डिवाइडेड बाय नीचे हमेशा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस कितना, 50 × 100 50%, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, देखो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दिया, 3x x + 4 माइनस x² आप क्या करोगे, गुना करोगे तो 3x और x कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, और 3x एंड 4 क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, माइनस रह गया, इसमें क्या होगा x² हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया x × 2 2x हो जाएगा। अब कर दोगे 3x से x² माइनस करोगे तो 2x² आ जाएगा, 12x और 2x 14x प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एक स्पेयर का सरफेस एरिया निकालने के लिए जिसका रेडियस 3.5 है, तो हम लोग का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr² पुट कर दो, 154 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक वोमेन इन्वेस्ट कर रहा है 200 रुपये ईच ईयर दो साल तक, ठीक है, एट 5% पर, तो उनका आफ्टर सेकेंड ईयर कितना होगा, तो देखो ये पहला साल का जो 200 रुपया है वो तो उनका दो साल तक पूरा रहेगा, तो 200 रुपया का कितना होगा, फर्स्ट ईयर 10 रुपया, सेकेंड ईयर 10 रुपया, और फिर ये 10 रुपया के ऊपर फिर उनका जो है 5% रेट होगा, तो 0.5। ठीक है, हम लोग 5% को इसे कन्वर्ट कर लेंगे 1/20 में। अब देखो सेकेंड ईयर में जो 200 रुपया है उसमें वो तो सिर्फ एक ही साल रहेगा, तो उसका इंटरेस्ट 10 रुपया आ जाता है, सभी को ऐड कर दो तो कितना होगा, इसका कितना होगा, देखो 220.5 और इसका हो जाएगा 200 + 10 मतलब 210, तो 430.5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इसको सिंप्लीफाई करने दिया है, 2.25 का 1/2, 1/2 मतलब क्या होता है, रूट 2.25 का रूट कितना होता है, 1.5, क्योंकि हम लोग को 15 का स्क्वायर कितना है, 225। ठीक है, तो एक पॉइंट था इसलिए जब निकलेगा तो सिर्फ एक पॉइंट ही निकलेगा, यहाँ पे कितना था, दो घर के बाद पॉइंट था ना, नियम क्या है, जब दो घर के बाद पॉइंट हो तो जब निकलता है बाहर वो एक घर के बाद ही होता है, तो 1.5 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन अ क्लास टेस्ट अ स्टूडेंट स्कोर 9 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स, 9 मिला है 25 में से, परसेंटेज बता दो, 9/25 × 100 36, मतलब क्या बच्चों जैसे क्वेश्चंस दिए, आप देख लो ये एनटीपीसी के क्वेश्चंस है। ये देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोला है 2.4, 2, 4 और 8, हम लोग क्या करते हैं 2, 4 और 8 और x पकड़ लेते हैं, तो ये आप लोग का रिलेशन बच जा रहा है 2:4, 2:8, x, हम लोग को पता है ये वाला एक्सट्रीम
और ये वाला होता है इक्वल होता है, बाहर वाला इक्वल टू ये अंदर वाला, तो 2 × x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 8 = 16 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते, आपका दिया हुआ है कंप्यूट करने के लिए 4992 / 64 - 10। देखो यहीं पे गलती कर देते बच्चे, पहले वो माइनस कर देंगे फिर डिवाइड कर देंगे, बदमाश रूल याद रखना, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी देके रखा है, ज़रूर देख लेना, फर्स्ट मेरा वीडियो है। तो हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करोगे 8 आएगा, उसके बाद माइनस करोगे, सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट होता है, तो आपका -2 राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ऐसे करके मैं 10 क्वेश्चंस का वीडियो दे दूंगा, तो ज़रूर अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना सभी से। और यहाँ पे हम लोग टोटल प्रिपरेशन करते हैं, भले वो करेंट अफेयर्स 1500 हो, 1500 करेंट अफेयर्स दे रहे हैं एफिल 2017 से, तो आप पूरा जनवरी 2017 से एफिल 2018 तक, सो दैट आपको करेंट अफेयर्स कोई भी कहीं से भी कुछ करना ना पड़े। उसके बाद हम लोग साइंस प्रोवाइड करा रहे, टोटल प्रिपरेशन हो रहा है गाइस, तो ज़रूर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। बाय बाय।